नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, वीडियो में आपको दिखाएंगे कि महान रतन टाटा की अंतिम विदाई में हिंदू मुस्लिम करने वालों को कैसे आईना दिखाया गया, कैसे नफरत फैलाने वालों को समझाया गया कि सच्चा भारत क्या है, भारत की संस्कृति क्या है, उसकी अद्भुत तस्वीर आपको दिखाएंगे। इसके अलावा कई साल पुराना रतन टाटा का एक बयान भी आपको दिखाएंगे, जब मुकेश अंबानी के सामने, अमिताभ बच्चन जैसी हस्तियों के सामने रतन टाटा ने बताया था कि उनका सपना क्या है। रतन टाटा का वो सपना आज के दौर में हिंदू मुस्लिम करने वालों को जवाब देता है कि भारत कैसे आगे बढ़ सकता है। पहले बात करते हैं आज की तस्वीर की। जब रतन टाटा को अंतिम विदाई दी गई तो आप ये तस्वीर देखिए कि सब धर्मगुरु को बुलाया गया है। ईसाई, हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध, सब धर्म के धर्मगुरु को बुलाकर रतन टाटा को अंतिम विदाई दी जा रही है। सब उनके लिए प्रे कर रहे हैं। तो ये विजन था रतन टाटा का। जाहिर तौर पर उन्होंने ही कहा होगा कि जब मैं दुनिया छोड़कर जाऊं तो मुझे इस अंदाज में अंतिम विदाई देनी है कि दुनिया को धार्मिक एकता का संदेश जाए। दोस्तों, आज के दौर में यह तस्वीर वाकई दिल छूने वाली है, हर किसी के मन को झकझोरने वाली है कि यह भारत की संस्कृति है और ऐसे होते हैं भारत माता के सच्चे सपूत, जो जाते जाते भी धर्म की राजनीति करने वालों को आईना दिखा गए। धार्मिक एकता का संदेश देती है रतन टाटा की अंतिम विदाई में सब धर्मगुरु को बुलाने वाली ये तस्वीर। दोस्तों, रतन टाटा की अंतिम विदाई की ये तस्वीर दिखाते हुए पब्लिक कहती है कि धर्म के नाम पर नफरत फैलाने वालों को ये तस्वीर देखनी चाहिए कि भारत आखिरकार क्या चाहता है, भारत किस तरह आगे बढ़ सकता है। दोस्तों, इसके अलावा आपको रतन टाटा का कई साल पुराना एक भाषण मैं सुनाता हूं। जब रतन टाटा से पूछा गया कि आपका सपना क्या है तो रतन टाटा ने कहा कि मेरा सपना है कि भारत एक आर्थिक महाशक्ति बने, सबके लिए समान अवसर हो, सब एकजुटता के साथ आगे बढ़े। क्या कहा था रतन टाटा ने, जरा एक झलक देखिए। My dream for the future of India is to see India continue to grow and become an economic power, to be a country of equal opportunity for all Indians in a united form where all laws apply to all Indians as one. I believe this country is a nation that we should all be proud of, and I hope that we can all play our parts as we are to make it the great power it needs to be. तो रतन टाटा का सपना था कि भारत यूनिटी यानी एकता के साथ आगे बढ़े, धार्मिक एकता के साथ आगे बढ़े, सबके लिए समान अवसर रहे, कोई पीछे ना रहे, हर किसी के साथ, सबका साथ, सबका विकास के रास्ते पर भारत आगे चले और भारत एक आर्थिक महाशक्ति बने। उसी विजन के साथ रतन टाटा ने काम किया, वरना उनके लिए भी आसान था आज के दौर के बहुत सारे उद्योगपतियों की तरह टीवी चैनल खरीदना, उस पर नफरत फैलाना। उस तरह का कोई काम रतन टाटा ने नहीं किया और जाते जाते भी हिंदू मुस्लिम एकता, सर्वधर्म एकता का संदेश दे गए रतन टाटा। आप रतन टाटा की अंतिम विदाई में इस तस्वीर को लेकर क्या सोचते हैं, जहां पुजारी भी उनके लिए प्रे कर रहे हैं, पादरी भी उनके लिए प्रे कर रहे हैं, मौलाना भी उनके लिए प्रे कर रहे हैं और बौद्ध धर्म गुरु भी उनके लिए प्रे कर रहे हैं। आप सर्व धर्म एकता की इस अद्भुत तस्वीर को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही आज के दिन भारत माता के सच्चे सपूत रतन टाटा को हर किसी को दिल से सलाम करना बनता है, और अगर आप वाकई उनको मानते हैं तो उनके दिखाए रास्ते पर धार्मिक एकजुटता के साथ देश को आगे बढ़ाने का हर किसी को आज के दिन संकल्प लेना चाहिए। भारत माता के सच्चे सपूत रतन टाटा को दिल से सलाम।